हेलो दोस्तों हिंदी व्याकरण के टॉपिक के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपका वेलकम है दोस्तों तो आज डिस्कस करेंगे क और ख से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे और कुल मिलाकर इसमें हम 45 एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की, की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो तो हमारा पहला एग्जाम्पल है किसी दिन का पूर्ण ज्ञाता तो इसे कहते हैं पारंगत दूसरा है कनक जैसी आभा वाला तो उसे कहते हैं कनकाय तीसरा है कठिनता से प्राप्त होने वाला तो उसे कहते हैं दुर्लभ चौथा है कठिनाई से समझने वाला तो उसे कहते हैं दुर्बोध पांचवा है कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला तो उसे कहते हैं दर्जी छठा है कम खर्च करने वाला उसे कहते हैं मितवई सातवा है कम जानने वाला तो उसे कहते हैं अल्पज्ञ आठवा है कम बोलने वाला तो उसे कहते हैं मितभाषी नौवा है करने योग्य तो उसे कहेंगे करणीय या कर्तव्य दसवा है करुण स्वर में चिल्लाना तो उसे कहते हैं चित्कार ग्यारहवा है कल्पना से परे हो तो उसे कहते हैं कल्पनातीत बारहवा है कार्य करने वाला व्यक्ति तो इसे कहते हैं कार्यकर्ता तेरवा है किसी से भी न डरना वाला तो इसे कहते हैं निडर चौदवा है कीर्तिमान पुरुष तो इसे कहते हैं यशस्वी पंद्रवा है कल्पना से परे तो इसे कहते हैं कल्पनातीत सोलवा है कुछ दिनों तक बने रहना तो उसे कहते हैं टिकाऊ सत्रवा है क्रम के अनुसार तो उसे कहते हैं यथाक्रम में अठारवा है किसी पक्ष का समर्थन करने वाला तो उसे कहते हैं अधिवक्ता उन्नीसवा है किसी सभा संस्था का प्रधान तो इसे कहते हैं अध्यक्ष बीसवा है किसी कार्य को बार बार करना मतलब अभ्यास करना इक्कीसवा है किसी वस्तु का भीतरी भाग तो इसे कहते हैं अभ्यंतर बाईसवा है किसी वस्तु को पीने की तीव्र इच्छा तो इसे कहते हैं अभिपसा तेईसवा है किसी प्राणी को न मारना तो इसे कहते हैं अहिंसा चौबीसवा है किसी बात पर बार बार जोर देना तो इसे कहते हैं आग्रह है। पच्चीसवा है किसी नई चीज को बनाना तो इसे कहते हैं इजाद करना या आविष्कार करना छब्बीसवा है किसी के उपकार को न मानना तो इसे कहते हैं कृतज्ञ सत्ताईसवा है किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होना तो इसे कहते हैं कर्थार्थ अट्ठाईसवा है कारागार से संबंध रखने वाला तो इसे कहते हैं कारागारी के उनतीसवा है कुंती का पुत्र तो इसे कहते हैं कौनते तीसवा है किसी वस्तु का चौथा भाग तो इसे कहते हैं चतुर्थांश इकतीसवा है किराए पर चलने वाली मोटरगाड़ी तो इसे कहते हैं टैक्सी बत्तीसवा है किसी पद या सेवा से मुक्ति का पत्र तो इसे कहते हैं त्यागपत्र तैंतीसवा है किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तो इसे कहते हैं तटस्थ चौंतीसवा है किसी निश्चित लंबाई का कपड़ा तो इसे कहते हैं थान पैंतीसवा है जो पहले रहा हो तो इसे कहते हैं भूतपूर्व छत्तीसवा है करने की इच्छा तो इसे कहते हैं चिकित्सा सैतीसवा है कष्ट से सिद्ध होने वाला तो उसे कहते हैं कष्ट साध्य अड़तीसवां है कम भोजन करने वाला तो उसे कहते हैं अल्पाहारी उनचालीसवा है किसी बात को पंजीका में पढ़ना तो उसे कहते हैं पंजीकरण चालीसवा है किसी एक पक्ष से संबंधित तो इसे कहते हैं एक पक्षी है इकतालीसवा है खाने की इच्छा तो उसे कहते हैं बुभुक्शा बयालीसवा है खाने योग्य पदार्थ तो इसे कहते हैं खाद्य पदार्थ तयालिसवा है खाने से बचा हुआ झूठा भोजन तो उसे कहते हैं उच्चिष्ट चवालीसवा है खून से रंगा हुआ तो इसे कहते हैं रक्त रंजित पैतालीसवा है खेलने का मैदान तो उसे कहते हैं क्रीडा स्थल तो इस प्रकार से आज हमने 45 एग्जाम्पल देखे जो कि क और ख से शुरू होने वाले थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सके और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके